अब हम रुख करते हैं अपने खास मेहमान का और आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज के बाजार के एक्शन को देखते हुए कल के मार्केट पर आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, इनफैक्ट मृत्युंजय, आज बाजार में जो मूवमेंट आया है वो ज्यादातर क्लियरली रिलायंस ड्रिवन है। आज रिलायंस में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। अभी मार्केट का ऐसा अनुमान है और काफी रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जियो के बाद जो रिटेल कारोबार है वहां पे काफी पैसा आएगा और यही कारण है कि आज रिलायंस में बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। हमको लग रहा है कि यहाँ पे न्यूज फ्लो ड्रिवन स्टॉक की प्राइस रहेगी और यहाँ पे होपफुली इसका इफेक्ट आपको कल के बाजार में भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल एफआईआर की लिक्विडिटी अगर वापस आती है और यूएस मार्केट्स थोड़े से सेटल होते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट के लिए ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा और एक करीबन 100-150 पॉइंट की राइज निफ्टी के लिए पॉसिबल है और क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट्स की खासियत है कि कहीं आपको वीकनेस देखने को मिलेगा लेकिन ऐसे चुनिंदे सेक्टर्स और स्टॉक्स रहेंगे जैसे कि एफएमसीजी है, फार्मा है और ऑब्वियसली रिलायंस है, तो यहाँ पे आपको एक्शन कंटिन्यूसली दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में और कुछ स्टॉक्स में आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा, तो ऐसे में सर अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो पोजिशनल ट्रेड कल के मार्केट में कहां पर लिया जाए? मृत्युंजय, हमको लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमको एक्सिस बैंक पसंद है। हालांकि आज 2-3% स्टॉक चला है लेकिन स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और अगर हम 8-10 दिन का व्यू ले तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको लग रहा है कि अगर 8-10 दिन का नजरिया लेते हैं तो 465-470 का टारगेट मिल सकता है और यहाँ पे एक 436 रुपीज का आप एक स्टॉप लॉस रखाइए। इस बैंक की खासियत है कि ये डिजिटल ट्रांजेक्शन में बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है और इसे Q2 के नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। अभी सितंबर खत्म होने वाला है बट हमको लग रहा है कि बहुत फंडामेंटली एज वेल एज शॉर्ट टर्म इसके लिए ये स्टॉक इस प्राइस पे काफी अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली इसमें दोनों ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे 8-10 दिनों के लिए करीबन 465-475 का टारगेट लेके इसको खरीदना चाहिए। जी, तो ये ट्रेड आपके लिए पोजिशनल जहां पर आप कल के कारोबार में ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की और खबर वेदांता और भारत एल्युमिनियम को लेकर है और ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जुड़ रही हैं। स्वाति बताइए क्या बड़ी खबर है? कि गवर्नमेंट ने एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ एल्युमिनियम वायर या वायर रॉड्स अबव 7 mm डायमीटर, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरीली यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में और इसका जो मेजर प्रोड्यूसर है वो वेदांता है। वेदांता ने एक एप्लीकेशन फाइल की गवर्नमेंट में, उसको एक्सेप्ट किया गया। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में देखा गया कि जी की डंपिंग हो रही है इस प्रोडक्ट की इंडिया में और इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वेदांता के लिए जो वो बनाते हैं और अगर इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है ये एक बहुत अच्छी खबर होगी वेदांता के लिए। डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और डंपिंग कम करने की तरफ सरकार का फोकस है ही, सब कुछ इंडिजिनाइज हो, इंडिया में बने, इस पर ध्यान रखा जा रहा है और इसलिए ये खबर बहुत ही अहम साबित हो सकती है वेदांता के लिए। पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019 ऑलमोस्ट 9 months का पीरियड दिया गया है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें और वेदांता के लिए एक अच्छी खबर साबित होने की तैयारी में क्योंकि इस पर एक जांच शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने जहां उन्होंने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में पाया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डंपिंग इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर, एक एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दिखाई है, तो अब यहाँ पर अविनाश जी इस खबर का आगे आप और इम्पैक्ट देख रहे हैं क्या वेदांता के ऊपर? इनफैक्ट मृत्युंजय, ये खबर फंडामेंटली काफी अच्छी है। अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है तो डेफिनेटली वेदांता के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत फायदा होगा क्योंकि ये काफी बड़े प्लेयर है और इनके लिए ये काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीरेटिंग फैक्टर वेदांता का है वो बेसिकली ओपन ऑफर का स्टेटस को लेके है। हमको लग रहा है कि मार्केट्स में काफी न्यूज तो आ रहा है कि ओपन ऑफर की कीमतें भी शायद बढ़ा दी जाएगी
तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूज फ्लो डेफिनेटली पॉजिटिव है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको पॉजिटिवली कल मार्केट पे इन इस शेयर के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, बट जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड प्राइस का है वो ऑब्वियसली ओपन ऑफर के प्राइस के ऊपर है, वहां पे क्या डेवलपमेंट होते हैं और वहां पे क्या यू नो प्राइसिंग फाइनली होती है, तो ये मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं अविनाश जी, जो अब तक हुआ है लोन मोरेटोरियम को लेकर और जिस तरह की दलीलें दी गई हैं, इससे आपको क्या संकेत नजर आ रहे हैं, और जो संकेत नजर आ रहे हैं उसका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि बैंक मोरेटोरियम का जो डेडलाइन थी वो 31 अगस्त थी, और ये जो केस है वो अभी 28 सितंबर तक टली है। हमको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा चेंज डिसीजन आरबीआई लेगी, क्योंकि ओवरऑल अभी जो केवी कामत का भी रिपोर्ट आया है 26 सेक्टर को रिस्ट्रक्चरिंग में, हमको लग रहा है कि आरबीआई इस फैक्टर को भी क्लोजली वॉच करेगी और उसके बाद एक बैलेंस्ड व्यू और बैलेंस्ड डिसीजन लेगी। बट बैंकों के लिए अगर होपफुली ये मोरेटोरियम का पीरियड बढ़ता है तो इनके लिए दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि मोरेटोरियम के पीरियड में इनको कुछ इंटरेस्ट इनकम मिला नहीं है और इनके जो इनकम्स है वो अभी आ नहीं रहे। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में तो बैंक्स में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट आपको सरकारी बैंक्स में देखने को मिलेगा जो काफी हद तक दबे हुए हैं और ज्यादा एक्सपोज्ड है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट अगर आती है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो इनमें डेफिनेटली खरीदने का मौका होना चाहिए। बट ओवरऑल आई थिंक अभी तो मैं समझता हूँ ये सब जुडिस मैटर है, तो आई थिंक मार्केट्स इसको क्लोजली वॉच करेगी सितंबर असाइज में क्या होता है। बट जिनके पास बैंकिंग के शेयर है उनको डेफिनेटली होल्ड करने चाहिए और कोई भी गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ बैंकों के शेयर्स पे आना चाहिए। जी आखिरी सवाल सर आपसे मेरा ये होगा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को इस मार्केट में कहां पर पैसा लगाना चाहिए? मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिए हमको लग रहा है कि जो फूड और कंजम्पशन स्पेस है वहां पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, कंपनी का नाम है एडीएफ फूड्स लिमिटेड। अभी ये कंपनी ज्यादातर रेडी टू फूड्स, रेडी टू कुक वैसे स्नैक्स फूड बनाती है, और इसका जो कारोबार है करीबन 70-80% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। कंपनी काफी पुरानी है, पहले इसको अमेरिकन ड्राई फ्रूट से जाना जाता था, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, करीबन 20-21% की मार्जिन पे काम करती है। जो सबसे खासियत बात है मृत्युंजय इज दैट लास्ट 4-5 दिन पहले प्रमोटर्स ने कहा है कि वो 17.5 लाख वारंट्स को सब्सक्राइब करेंगे, कंपनी में खुद पैसा डालेंगे, और वो कन्वर्जन प्राइस करीबन 362 रुपया है। तो इस बात पे तो मार्केट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्रमोटर्स खुद का पैसा लगा रहे हैं। और दूसरी बात, कंपनी में काफी बड़े निवेशक है, जैसे कि सुनील सिंघानिया साहब ने यहाँ पे काफी बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट की है, हालांकि काफी पहले एक्यूमुलेट की है, लेकिन फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया है। हमको लग रहा है कि लास्ट ईयर करीबन कंपनी की अर्निंग करीबन 20-22 रुपया थी, इस साल मोटा मोटी 24-25 रुपया आने की उम्मीद है। और यहाँ पे जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस है और जो ब्रांड्स इन्होंने क्रिएट किए, हमको लग रहा है कि यहाँ पे रीरेटिंग बहुत बढ़िया आएगी। करीबन 470-475 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे 12 से 15 महीने का एक लक्ष्य है, जो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जरूर अचीव होगा, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका।